हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तमाम भाई बहनों से मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ नहीं भरता। मैंने कभी भी मेरी बच्चों के मसले हुए, मैंने एक टिकटॉक भी नहीं भरा। पहली सी लाइफ थी जो ज़िंदगी में इंसान है नॉर्मल, मैंने भरी भी होंगी शायद पहले। अभी मेरा कंडीशन नहीं है मैं गाने भरूँ सौखों से। टोपे एक भाई कह रहा था मुझे जवाब, मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, मैं जवाब नहीं दे सका। मुझे अफसोस हो रहा है भाइयों पर तनकीद कर रहे हैं, कि उनका हक भी है एक तरफ से तनकीद करना, कि हम पाकिस्तान पूरी दुनिया के लोग मेरे साथ हैं। अल्लाह उनको सेहत दे और सलामत करे। मैं उनसे दुआ करता हूँ कि और भी साथ दे, मेरी आवाज़ बने, मेरे बच्चों को वापस लाने की कोशिश किया जाए। ये वक्त तनकीद का नहीं है, साथ देने का है। मेरे भाइयों बहनों तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं इस सदमे से गुजर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं कैसे भर सकता हूँ? एक बाप, आप बाप होते हुए, आप एक भाई होते हुए, आप नहीं समझते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा तबीयत ख़राब है। मैं टिकटॉक बनाऊँ और जो है ना लोगों को शो करूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। मेरे भाइयों मैं एक सदमे से गुजर रहा हूँ, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ हेल्प नहीं कर सकते हो? कम से कम यार तनकीद मत करो। बहुत भाइयों ने बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरी हेल्प कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। मेरी साथ दो, ये साथ देने का वक्त है, प्लीज़ तनकीद मत करो। मैं हैरान और परेशान हूँ। पुराने आईडी से कोई जोड़ के कह रहे हैं कि जो है ना आप टिकटॉक बनाते हो सौखों सोटों के। सॉरी मैं नहीं भरता, बिल्कुल मैंने भरी भी नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये वादे करना चाहता हूँ भाइयों से बहनों से, मैंने कोई टिकटॉक अभी जैसे बच्चों का मसला हुआ उनसे पहले की होंगे, एक नॉर्मल ज़िंदगी थी। आप लोगों को भी भरते होंगे, अल्लाह ना करे ऐसा मसला भी आपके साथ हो बाद में, वो जोड़े लोग जोड़ के पता नहीं कितने मेरे फेक आईडी लोगों ने बनाए हुए हैं। मैं कभी भी ये शो नहीं करना चाहता। आज तक मेरी एक बच्चों का कोई रिक्वेस्ट भी मैंने इधर नहीं भेजा। मैं तो टिकटॉक पे आना नहीं चाह रहा था, ज़बरदस्ती जो मैं जो पर मजबूरी से परेशानी से मुझे आना पड़ा। प्लीज़ भाइयों बहनों हेल्प कर सकते हो तो करो, अल्लाह आपको खुश रखेगा। मगर तनकीद यार मत करो, मैं ऐसे मूड पे नहीं हूँ अभी। मैं ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ कि बच्चे भी मेरे गए और लोगों की बातें भी मैं ही सुनूँ। प्लीज़ भाइयों बहनों तमाम उम्मत इंसान को